सो गाइस, आपको पता है कि जैसा लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि उन बच्चों को जब हम रामनवमी वाले दिन हलवा पूरी देने के लिए गए थे, तो उन बच्चों और बच्चों की माओ ने काफ़ी हमसे बोला कि हमको एक बार खीर खिला दो। तो हमने बोला चलो क्यों नहीं, इस बार खीर बनाते हैं जाने से पहले पहले, क्योंकि सैटरडे की फ़्लाइट थी अपनी। तो हमने सोचा कि जाने से पहले एक बार बच्चों को खीर खिलाई जाए। तो हमने अपने हाथों से बर्तन वगैरह को अच्छे से नीचे मिट्टी लगा दी, ताकि बर्तन थोड़ा काला नहीं होता, इसलिए मिट्टी लगाने का ये कारण होता है। हमने अच्छी बड़ी आग जलाई, बर्तन को रखा आग के ऊपर, उसमें डाले हमने पानी डाला उसमें अच्छा खासा। यहाँ पर हमने 8 kg तक चावल लिए हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे वहाँ पर कोई 100-150 बच्चा हो जाता, तो हमने कम से कम 8 kg चावल लिए। उन चावलों को अच्छे से वाश किया और चावल को डाल दिया पानी में। चावल को पानी डालने के बाद उसको अच्छे से हिलाते रहे हम लोग साथ में। आग भी अच्छी बढ़िया जली हुई थी, तो चावल भी जल्दी पक जाने थे, क्योंकि हमारा टारगेट था कि 4 बजे तक जाना था, क्योंकि इससे पहले रामनवमी वाले दिन गए थे तो हम 2 बजे पहुंच गए थे, तो बहुत भयंकर धूप थी। जहाँ पर वो बच्चे रहते हैं ना, तो वो एक नहर की साइड में रहते हैं, तो वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा आती है। तो हमने सोचा था कि हम जाएंगे 4 बजे तक। तो हमने चावल को यहाँ पर अच्छे से लगा दिया, साथ में हमारी धर्मपत्नी हमारा साथ दे रही थी। चावल होते रहे, फिर हम लेकर आए बेरका का गोल्ड मिल्क, फुल फैट वाला मिल्क लेकर आए गए। हमने उस सारे मिल्क को चावल के अंदर डाला। हम लेकर आए थे यहाँ पर 8 kg मिल्क, 8 kg चावल थे हम, तो हमने 8 kg मिल्क लेकर आए हम यहाँ पर। तो हमने 8 kg दूध डाला उसके अंदर, फिर हमने कुछ चुका, जब दूध वगैरह डाल दिया, फिर हमने अच्छे से चावल को मिक्स किया। चावल को मिक्स करने के बाद हमने फिर हल्का सा इसको हीट में रखा, क्योंकि हल्की सी हीट के अंदर थोड़े चावल और मिल्क के साथ पक जाते तो उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता। तो मैंने इसको दूध को अच्छे से पूरे चावल को मिक्स कर दिया, क्योंकि बर्तन बहुत बड़ा था और इसके इतने बड़े बर्तन में हमको भी थोड़ा बनाने के लिए दिक्कत हो रही थी। हम उतने एक्सपर्ट वाले शेफ तो नहीं हैं, बट फिर भी हम अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट करते हैं। 3 kg शुगर डाली हमने इसमें। बाद में हमने जब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, भोग लगाने के बाद हमने देखा कि मीठे की ओर जुटते, तो हमने 1 kg शुगर और डाली थी, क्योंकि 8 kg चावल थे तो उसमें कम से कम आधी चीनी चाहिए थी। तो हमने पहले 3 kg डाली थी, फिर हमने 1 kg चीनी फिर बाद में और ऐड की। और गाइस, उसके बाद फिर हमने उसके अंदर ड्राई फ्रूट डाले, जिसके अंदर थे बादाम, किशमिश, कैशियो, और उसके अंदर कुछ साथ में ड्राई वाले कोकोनट भी डाले थे। 3 ड्राई वाले कोकोनट ऐड किए थे इसके अंदर। तो गाइस देखो, ये सारा ऑलमोस्ट ड्राई फ्रूट पूरा हम दुबई से लेकर आए हैं, वो सारे ड्राई फ्रूट हैं। ये देखो, ये गरी तो यहीं की थी, बाकी काजू बादाम और किशमिश वगैरह सब कुछ अच्छे से डालकर फिर हमने इसको अच्छे से कंटिन्यू मिक्स किया कोई हाफ एन आवर तक। फिर हमने इसको गैस पे रखा, अच्छा पकने दिया। उसके बाद फिर हमने इसको सर्विंग के लिए स्टार्ट किया। सो गाइस, हमने आज भी सोचा था कि हम एक्टिवा पर जाएंगे, पर हमने सोचा था पूरे का पूरा पतीला ही लेकर जाना है ऐसे, तो फिर हम एक्टिवा पर तो नहीं आए, तो फिर हमने गाड़ी वाले को बुलाया, भैया को। सो गाड़ी वाले भैया आए, फिर हम उस गाड़ी में लेकर गए। हमने सारे का सारा पतीला लेकर जाना था, एक्टिवा पर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाना, क्योंकि दूर भी है, कम से कम घर से 6 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए हमने उसको देखो अच्छे से मिक्सिंग किया, ताकि दूध का टेस्ट पूरा चावल तक अच्छे से बढ़िया टेस्ट जाए। और गाइस, इस चीज़ को बनाने में इतना सुकून आता है ना, एक अलग से खुशी आती है। तो गाइस प्लीज़, आप लोग भी ऐसा एक छोटा सा कोई भी एक मुहिम चलाओ, जिसके अंदर कि हमें लगे कि यार हमारे कुछ करने से किसी का तो कुछ भला हो। क्योंकि ज़िंदगी में तो आपको पता कि आदमी की ज़रूरतें कभी पूरी होनी नहीं है किसी की भी, चाहे वो मैं आप है, चाहे मिडिल क्लास वाला बंदा है, या नॉर्मल है, या कोई हाई क्लास का है। सो हम अपनी एक अलग से एक मुहिम, हमको एक छोटी सी जरूरत चलानी चाहिए, जिससे कि अपने आप को भी सुकून आए और दूसरे को भी सुकून मिले। तो गाइस, मेरा तो ऐसे ही प्लान बन गया था, क्योंकि मैं तो आपको बताया था लास्ट वीडियो को मौसी के घर से आ रहा था, तो वो बच्चे मिले उन बच्चों ने। तो गाइस देखो, पहले हमने इस पतीले में डालने की कोशिश की, बट बाद में हमारा प्लान चेंज हो गया कि खीर ज़्यादा है और हमारे पास बर्तन छोटा पड़ जाएगा, तो इसलिए फिर हमने वापसी इसको लुटा दिया, और फिर हमने गाड़ी वाले को बुलाकर बड़े बर्तन को लेकर चले गए हम। साइड में जाओ।
भाई लाइन में चलो, लाइन में लाइन में लाइन में। यार खीर के ऊपर मत गिर जाना यार। बर्तन लाया था ना, बर्तन लाया तेरे पास ये है ना। इन्हें फिर ले लेगू तो कितने बोलो साढ़े बात रखो सही खाने और खाना नहीं तो गड़ी वाले खड़ोना, गड़ी वाले खड़ोना, गड़ी बार बड़ी कीमती गड़ी ले लो बच्चे रुको, सभी को मिल जाएगा, सभी को मिलेगा। अबे लड़ो मत, ही लड़ो मत, सबको सबको मिल, सबको मिल जाएगा, लड़ो लड़ो मत। बार 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 हो जाएगा, अब लड़की हो रहे हो सब तो मिल जाएगा। तो अभी सभी को ढूंढने में दो, खाली में खत्म करो, ये सभी को ढूंढने में दो। ओ नहीं नहीं नहीं
ਦੇ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈ ਦੇ।